हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास रेडमी का कोई भी फ़ोन हो, कोई सा मॉडल हो जिसमें आपका गूगल डायलर हो, उसमें आपको कॉल रिकॉर्ड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं विदाउट अनाउंसमेंट आप अपने फ़ोन के अंदर कॉल रिकॉर्ड कैसे करने वाले हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखना, मैं इसी वीडियो में लाइव आपको करके बताने वाला हूँ, जिसमें हम कोई भी किसी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करेंगे। जो आपका गूगल डायलर है सिर्फ उसी को यूज करके एक ट्रिक लगा के आप इसी में अपने फोन के अंदर जो अनाउंसमेंट होता है उसे बंद कर सकती हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो गाइस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना डायलर ओपन कर लेना है। मैं आपको पहले चेक करा देता हूँ, यहाँ से हम डायलर में आ गए, एक कोई भी एक नंबर डायल कर लेते हैं 198। ओके, आप इसे बंद करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आज इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको एक सर्च कर लेना है, यहाँ पे जो सेटिंग आपको ये सेटिंग फॉलो कर लेनी है। सर्च बार में जाएंगे, ओके, सर्च बार में आपको यहाँ लिख देना है, मैं यहाँ सर्च कर देता हूँ TTSLEXX, इसे आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमारा ये इंस्टॉल हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको अपने फ़ोन के अंदर सिर्फ इसे इंस्टॉल कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग है, ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं, KB में है कुल, तो आपको KB में इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको हमारा स्कैनिंग कर रहा है ये। ओके, ये हमारा डन हो चुका है, इंस्टॉल हो गया, यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेनी है। अब आपको तो यहाँ से हम अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च में सर्च कर लेना है TEXT, टेक्स्ट आपको सर्च कर लेना है। ओके, जैसे ही आप टेक्स्ट सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाते हैं टेक्स्ट रिलेटेड सारे, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है प्रेफर्स इंजन मिल जाता है सबसे ऊपर ही पहले नंबर पे, गूगल टेक्स्ट टू सर्च, इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से आपको गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन का ऑप्शन मिल जाता है जिस पर आपका क्लिक है। तो इस पर क्लिक ना करके आपको TTSLEXX पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, बैक आ जाना है। सिंपली आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, आपको बस एक स्टेप और बचा है। इसमें आपको इधर आ जाना है, अपना जो डायलर है गूगल डायलर, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस रखना है। लॉन्ग प्रेस रखने के बाद ऐप इन्फो का ऑप्शन मिल जाता है, ऐप इन्फो में जाएंगे। ऐप इन्फो में जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाता है क्लियर डाटा, आपके फ़ोन के अंदर मिल जाता है स्टोरेज या क्लियर डाटा। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लियर डाटा पे क्लिक कर देंगे, क्लियर ऑल डाटा, ओके कर देंगे। ओके, हमारा ये क्लियर डाटा हो चुका है। आप उससे फोर स्टॉप भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको क्लियर डाटा करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। आप सिंपली हम कोई भी एक नंबर डायल कर लेते हैं, यहाँ से हम डायल कर लेते हैं, ओके, यहाँ से हम 198 लगा देते हैं। ओके, इस पर हमने कॉल कर दिया। तो आपका जो फ़ोन पे है, जो आपका फ़ोन पे है, तो इसमें आपका जो गूगल डायलर है इसका आपको जो स्टोरेज है उसे आपको क्लियर करने के बाद, स्टोरेज क्लियर करने के बाद आपको अपना डायलर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको अपना कॉल लगा लेनी है किसी भी नंबर पे, जैसे हम लगा देते हैं 198। ओके, इस पर हमने रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आपकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ना भूलें, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं हमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।